तारीख इज ब्रॉट टू यू बाय स्पोर्ट्स बेट। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम तारीख। इसमें आपको सुनाते हैं हम उस तारीख से जुड़े इंटरनेशनल किस्से। आज 16 मार्च है और आज की तारीख का संबंध है 15 साल की कठोर कारावास की एक सजा से, सजा जिसके 2 साल भी पूरे नहीं हुए और सजा पाने वाला मार डाला गया। ऑटो वॉम्बियर अमेरिका के ओहायो राज्य में स्थित सिनसिनाटी शहर के एक होनहार छात्र। ओहायो के सबसे बड़े स्कूल्स में से एक में दूसरा ग्रेड पाने वाले ऑटो किंग ऑफ मैथ्स तो कहलाते ही थे, साथ ही एक प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी और तैराक भी थे। कुछ कोर्स होते हैं ना जिसमें आपको एक आध साल विदेश में पढ़ना होता है, स्टूडेंट एक्सचेंज या फिर स्टडी अब्रॉड जैसे किसी प्रोग्राम के तहत। बस उसी के वास्ते ऑटो को 2016 में हांगकांग में पढ़ने जाना था। 12 दिसंबर 1994 को पैदा हुए इस नवयुवक की उस वक्त उम्र 22-23 साल के करीब रही होगी। तो जिस दौरान वो पैकिंग वगैरह में व्यस्त थे, उन्हें चाइना बेस्ड एक ट्रैवल एजेंसी यंग पाइनियर का विज्ञापन दिखा। विज्ञापन में लिखा था, घूमिए एक ऐसी जगह जहां आपकी मां नहीं चाहेगी कि आप जाएं। ये जगह थी नॉर्थ कोरिया। ऑटो ने टिकट बुक कर लिया $1200 देकर, 5 days 4 nights का टूर पैकेज। सोचा न्यू ईयर वहीं मनाऊंगा, फिर तो पढ़ाई लिखाई और जॉब में सर खपाना ही है। हालांकि ऑटो के माता पिता ऑटो की इस यात्रा से रोमांचित तो नहीं ही थे, लेकिन उनकी मां ने बाद में बताया था, आप इस तरह से वो भी ऑटो जैसे बच्चे को क्यों ही मना करेंगे। अमेरिका के विदेश विभाग ने भी उत्तर कोरिया की यात्रा को लेकर एक एडवाइजरी जारी की हुई थी, जो कहती थी वहां यात्रा करने वाले नागरिकों के लिए सीधे मदद कर पाना अमेरिकी सरकार की शक्ति से परे होगा। मगर ऑटो इससे पहले अमेरिका के एक दूसरे दुश्मन देश क्यूबा का दौरा कर चुके थे, जिससे वो काफी हद तक कॉन्फिडेंट थे। 29 दिसंबर 2015 को ऑटो बीजिंग से नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के लिए रवाना हुए। प्योंगयांग पहुंचते ही नॉर्थ कोरिया की सीमा पुलिस ने सभी टूरिस्ट्स के कैमरों को जब्त कर लिया और मोबाइल को पूरी तरह से खंगाल डाला। पहले दिन यूथ पायनियर्स के इन टूरिस्ट्स को एस प्यूब्लो नाम का एक अमेरिकी नौसेना का जासूसी जहाज दिखाया गया। इसे नॉर्थ कोरिया द्वारा 1968 में जब्त कर लिया गया था। एक नॉर्थ कोरिया के गाइड ने शान से टूरिस्ट को बताया, ये जहाज इंपीरियल एनिमी से कब्जा किया गया है। इसके बाद बाकी टूरिस्ट ऑटो को इंपीरियल एनिमी नाम से ही चढ़ाने लगे। इन टूरिस्ट में से कुछ कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के थे और 10 अमेरिकी थे। न्यू ईयर्स ईव यानी नववर्ष की पूर्व संध्या के दौरान सभी पर्यटकों ने बार में बैठकर बियर वगैरह पी। उसके बाद न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए सभी लोग प्योंगयांग के किम इल संग स्क्वायर में इकट्ठा हो गए। वहां इनके अलावा हजारों लोकल्स भी मौजूद थे। इसके बाद पूरा ग्रुप यांगकाडो इंटरनेशनल होटल वापस आ गया। कुछ लोग बियर पीने चले गए, कुछ बोलिंग एरिया में। इस दौरान ऑटो कहां गए किसी पर्यटक को नहीं पता। 40 साल का एक ब्रिटिश नागरिक डैनी ग्रांटो, जो इस टूर में ऑटो वॉम्बियर के रूममेट थे, ने बाद में बताया, उन 2 घंटों के दौरान ऑटो कहाँ थे हम में से कोई भी नहीं जानता था। 2 तारीख को नॉर्थ कोरिया से वापसी थी। ऑटो अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के एयरपोर्ट में। इनमें 2 नॉर्थ कोरियन गार्ड्स आए, वो ऑटो वॉम्बियर को अपने साथ ले गए। ऑटो के रूम पार्टनर डैनी ग्रांटो को लगा कि अधिकारी सिर्फ इस अमेरिकी को थोड़ा परेशान करना चाह रहे हैं। वो ऑटो से मजाक में बोले, चलो फिर दोस्त, ये हमारी आखिरी मुलाकात है, अब हम तुम्हें कभी नहीं देख पाएंगे। ऑटो भी मुस्कुरा दिए। दोनों नहीं जानते थे कि डैनी की मजाक में कही गई बात सच साबित हो जाएगी। जैसे ही प्लेन जाने को तैयार हुआ, नॉर्थ अमेरिका का एक अधिकारी उसमें सवार हुआ और घोषणा की, ऑटो बहुत बीमार है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। यूं विमान ऑटो को लिए बिना ही नॉर्थ कोरिया से चल दिया। इसके बाद नॉर्थ कोरिया की कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने घोषणा की कि ऑटो वॉम्बियर को राज्य के खिलाफ शत्रुतापूर्ण कार्य करने के चलते हिरासत में लिया गया है। इसके बाद लगभग अगले 2 महीनों तक नॉर्थ कोरिया शत्रुतापूर्ण कार्य की विस्तृत और सटीक जानकारी देने से इनकार करता रहा। फिर 29 फरवरी 2016 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑटो ने एक पहले से ही लिखे हुए स्टेटमेंट को पढ़ा। इसमें उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने यांगकाडो इंटरनेशनल होटल की दूसरी मंजिल में स्थित एक प्रतिबंधित क्षेत्र से एक प्रचार पोस्टर चुराने का प्रयास किया था, जिसे वो घर ले जाना चाहते थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने एक ऐसा स्थानीय मेथोडिस्ट चर्च फ्रेंडशिप यूनाइटेड के कहने पर किया था। ये मेथोडिस्ट चर्च वाली बात इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ऑटो एक यहूदी थे और बाद में फ्रेंडशिप यूनाइटेड ने भी इस बात का खंडन किया था।
नॉर्थ कोरिया ने बाद में एक सीसीटीवी फुटेज भी रिलीज की। इसमें एक अज्ञात व्यक्ति होटल के एक प्रतिबंधित क्षेत्र की दीवार से एक फ्रेमयुक्त प्रचार पोस्टर को हटा रहा था। वीडियो की क्वालिटी इतनी घटिया थी कि आप निश्चित नहीं कह सकते थे कि वो कौन था, लेकिन नॉर्थ कोरिया का दावा था कि वो ऑटो थे। फिर आया आज से 5 साल पहले आज की तारीख वाला दिन, 16 मार्च 2016। इस दिन वॉम्बियर को उत्तर कोरिया के सुप्रीम कोर्ट में दोषी ठहराया गया। उन पर उत्तर कोरिया के आपराधिक कोड के अनुच्छेद 60 के तहत संपत्ति को हानि पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने माना कि ऑटो वॉम्बियर ने यह अपराध नॉर्थ कोरिया के प्रति अमेरिकी सरकार की शत्रुतापूर्ण नीति का अनुसरण करते हुए किया था, नॉर्थ कोरिया के लोगों के बीच एकता को खत्म करने के वास्ते। मुकदमा 1 घंटे चला, जिसमें ऑटो वॉम्बियर को 15 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। साक्ष्य के रूप में उनका कबूलनामा, उनके फिंगरप्रिंट, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान इस्तेमाल किए गए थे। लेकिन ऑटो को लगभग 1.5 साल के भीतर भीतर ही अमेरिका भेज दिया गया। 13 जून 2017 को जब ऑटो अमेरिका पहुंचे तो उनकी दशा बहुत खराब थी। ऑटो के पिता फ्रेड वॉम्बियर ने ऑटो से मिलते ही उन्हें गले से लगा लिया। फ्रेड ने ऑटो को बताया कि वो ऑटो को बहुत मिस करते थे और उसके घर आ जाने पर बहुत खुश थे। इस सबके दौरान ऑटो जगे तो हुए थे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया देने में असमर्थ थे। स्थिति को आमतौर पर वेजिटेटिव स्टेट के रूप में जाना जाता है। वो अपने दम पर सांस लेने और अपनी आंखें झपकाने में सक्षम थे, लेकिन इसके अलावा वो आसपास की चीज़ों के प्रति पूरी तरह उदासीन थे। वापसी के 6 दिनों बाद ऑटो के माता पिता ने उनकी फीडिंग ट्यूब को हटाने का अनुरोध किया। उसी दिन वॉम्बियर ने दोपहर 2:30 बजे के करीब दम तोड़ दिया। तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉम्बियर की मृत्यु के संबंध में एक बयान जारी किया। माता पिता के लिए एक बच्चे को उसकी युवावस्था में खोने के दुख से बड़ा दुख कोई नहीं है। नॉर्थ कोरियाई शासन के नवीनतम शिकार पर शोक मनाते हुए अमेरिका एक बार फिर उसकी क्रूरता की निंदा करता है। हालांकि डॉक्टर्स को आज तक नहीं पता कि ऑटो का वेजिटेटिव स्टेट में जाने का कारण क्या था, लेकिन जहां नॉर्थ कोरिया की सरकार इसे नींद की गोली का असर बताती है, वहीं अमेरिकी डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसा होना असंभव है। नॉर्थ कोरिया के अलावा बाकी सभी लोग जो भी इस स्टोरी को जानते हैं, उनका मानना है कि यह मौत नॉर्थ कोरिया की ही दी हुई है। ऑटो वॉम्बियर, उनकी सजा, उनकी मौत से जुड़ी कई बातें हैं जिनके चलते एक टीस सी रह जाती है कि यूं होता तो क्या होता। जैसा ऑटो अपने कॉलेज के दिनों में दी ऑफिस नाम के एक सीरियल का डायलॉग खूब रिपीट किया करते थे, काश कि अच्छे पुराने दिनों यानी गुड ओल्ड डेज के बीच जाने से पहले ही पता चल सकता कि अभी आपके वो दिन चल रहे हैं। ये था आज की तारीख से जुड़ा किस्सा। हर रोज ऐसे ही किस्से आपके लिए हम लेकर आते हैं। इन्हें देखने सुनने के लिए आप जुड़े रहें लल्लन टॉप से। शुक्रिया।